नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन में भगवान के अस्तित्व के बारे में। आखिर जीवन में क्या महत्व है भगवान का और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और अवगत कराते हैं आपको भगवान से। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से ही हमें गुणों की प्राप्ति होती है। गुणों को जीवन में आत्मसात करने के लिए धारण करने का भी बड़ा महत्व है। गुणों से मानव भगवान बन सकता है और गुण शांति समृद्धि देने वाले होते हैं। गुणों से होती है विचारों की उत्पत्ति। दोस्तों, विचारों की दुनिया भी अजीब होती है, समझ ही नहीं आती। विचारों के कारण ही कभी समाज की उलझन तो कभी खुद की उलझन। इन उलझनों में विचार करना कठिन हो जाता है और विचार बड़ा ही विचित्र होता है। इन विचारों में ये तय करना कठिन हो जाता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। मन और बुद्धि अपने अपने तर्क लेके खड़े हो जाते हैं विचारों को समर्थन देने के लिए। मन और बुद्धि अपने अपने तर्क लेके खड़े हो जाते हैं। जब निर्णय का समय आता है तब दोनों अपनी अपनी ओर से तर्क करते हैं और दोनों ही अनुभवी होते हैं। हमारा मन और बुद्धि दोनों ही अनुभवी होते हैं, दोनों ही ज्ञाकारी होते हैं। बड़ी ही विचित्र बात है, जब मन और बुद्धि दोनों अपने अपने विचारों पे खड़े हैं तब सवाल ये आता है कि ये दोनों यानी कि मन और बुद्धि किसके सामने विचारों का तर्क दे रहे हैं। आखिर ये अपने विचारों को किसके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारा मन और बुद्धि जो ये विचार अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं तो ये किसके सामने करते हैं, ये हमारे मन में विचार आता है। तब हमको ये पता चलता है सोचने विचारने के बाद कि ये हमारी आत्मा के सामने किया जाता है। हमारा मन और बुद्धि हमारी आत्मा के सामने ही इस विचारों को प्रस्तुत करते हैं और दोनों का तर्क सुनने के बाद आत्मा को निर्णय लेना होता है कि कौन सा विचार गलत है और कौन सा विचार सही। जब इन उलझनों के बीच आत्मा फंस जाती है तब ये आत्मा उस भगवान रूपी ऊर्जा का सहारा लेती है। तब भगवान को हमारी आत्मा के द्वारा याद किया जाता है। जब दोनों के द्वारा विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और आत्मा को कुछ गलत कुछ सही नहीं लगता तो वो भगवान को याद करती है और भगवान इस समस्या का निर्णय करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया कहावत है, बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल एक रहस्य है। आज का दिन आपको ईश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार एक तोहफा है, इसीलिए तो हम इसे प्रेजेंट कहते हैं। ये कहावत है जॉन रिवर्स की। प्रार्थना आपके और ईश्वर के बीच बस एक दो तरफा बातचीत है। हमारे सबसे कठिन समय में भी, जब हमारे जीवन की सभी चीज़ें हमें बिखरती हुई नज़र आएंगी, उस वक्त भी हमें ईश्वर के असीम प्रेम में शांति मिल सकती है। अर्थात ये है कि जब हम पूरी तरह से टूट चुके होंगे, सब कुछ हमारा बिखर चुका होगा, तो उस समय भी अगर हम भगवान को सच्चे दिल से याद करें तो हमको शांति मिल सकती है। ईश्वर कभी भी आपके जीवन से कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं छीनता है जब तक कि वह आपको उससे बेहतर चीज़ ना दे दे। भगवान जो करते हैं कुछ गलत नहीं करते, उनके लिए हमेशा कुछ अच्छा छिपा होता है हमारे लिए। दोस्तों, प्रार्थना सिर्फ चीज़ें ही नहीं बदलती, यह हमें भी बदलती है। ऐसा माना जाता है कि प्रार्थना हमारे और ईश्वर के बीच किया जाने वाला संवाद का एक माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है और कोई दुनिया में कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें और भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, आपने यह महसूस किया होगा कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हमारा अंतर्मन हमें ईश्वर के प्रति सचेत करता है। हमारी आत्मा भगवान को महसूस करती है, हमारी आत्मा भगवान के महत्व को पहचानती है, महत्व को उनको जानती है। बस हमारा चेतन मन यह नहीं जान पाता है कि भगवान क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है। जब हम भगवान के प्रति सच्चे भाव से श्रद्धा रखते हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ होती है और जीवन में किसी भी कठिन मानसिक परिस्थितियों से हम बच जाते हैं। हमारे जीवन में कोई भी कठिन मानसिक परिस्थिति नहीं आती है और प्रकृति हमारे साथ होती है। दोस्तों, एक आश्चर्य की बात है कि
प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं और वही हमें उसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। ये एक अजीब बात है दोस्तों। किसी ने सच कहा है, घमंड मत करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। प्रकृति में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो चाहे तो हमें जड़ से समाप्त कर सकती है। दोस्तों कभी भी प्रकृति के खिलाफ जाकर कुछ काम मत करिए, प्रकृति के हिसाब से चलिए, जो होगा जिंदगी में सब सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। प्रकृति आपके साथ होगी तो दुनिया जहान की खुशियाँ आपके साथ होंगी।